अवैध उत्खनन का कारोबार अपने चरम पर है और खनिज अधिकारियों के ढीले रवैये और संरक्षण के चलते खनन कर्ताओं के हौसले अब बुलंद है और आए दिन ग्रामीणों के साथ खनन माफियाओं की झड़प भी होने लगी है। नांदघाट तहसील के ग्राम पोसरी में आधा दर्जन जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर अवैध उत्खनन करने वाले बाहुबली पहुंचे, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और जिसके बाद गांव वालों ने मामले में नायब तहसीलदार को जानकारी दी। जब तक नायब तहसीलदार वहां मौके पर पहुंचते तब तक खनन माफियाओं के जो कर्मचारी है वो जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। तो ग्रामीणों और खनन माफियाओं के बीच झड़प हुई है। प्रशासन चाहे लाख सख्ती का दावा करे लेकिन प्रशासन के तमाम दावों की पोल यहां पे खुलती नजर आ रही है। लगातार अवैध उत्खनन अपने चरम पर है जिसके चलते न केवल क्षेत्र को बल्कि राजस्व को भी भारी घाटे का सामना करना पड़ता है। अधिकारियों से संरक्षण मिलने के बाद इनके हौसले बुलंद हैं जिसके चलते इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती और उसका नतीजा ये है कि ये बेखौफ होकर खनन की वारदात खनन कर रहे हैं और राजस्व को भी इसके चलते घाटा हो रहा है। बड़ी खबर टीकमगढ़ से जहां पर